आत्मा में विकल्प करते जो अपने को आत्मा समझता है उसके विकल्पों का अभाव है और होता है। इस संबंध लगाना चाहिए है और होता है। आत्मा में विकल्प है और जो अपने को आत्मा समझता है वह निर्विकल्प होता है। आत्मा में कोई समस्या नहीं है। जो अपने को आत्मा समझता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उदय आता है उदय ग्रंथाल व्यवस्था बनती है। एक वाक्य आपने सुना हुआ प्रकृति में अन्याय नहीं होता लगता है हमें। प्रकृति में अन्याय नहीं होता ये कब हासिल हो सकता है? जब आगे और पीछे सोचे कुछ पर्याय दृष्टि वाले जीवों को कभी ये बात समझ नहीं आए। अभी समझ में पाठ करेंगे मरण पर्यंत शांति रहना। मरण पर्यंत शांति देह छूट रही है छूटी हुई है मेरा कुछ छूटा है। परद्रव्य के प्रति मोह का कारण परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य के प्रति मोह का कारण अपने को न जानना है। ये कौन हुआ ये जिज्ञासा कैसे हुई जो अपने को नहीं जानता और अपने को जाने बिना सब उत्तर कर दूंगी ये कौन है। क्योंकि मैं ज्ञायक हूं इसलिए विश्व के साथ मेरा ये ज्ञायक ही संबंध है और कोई संबंध नहीं है। ज्ञायक की ये होती सकल ये ज्ञायक तदप निजानंद श्री। जब तक अपने को ज्ञायक नहीं लिखेंगे तब तक समस्त पदार्थ ये भाषित कैसे होंगे? उनमें इस संस की कल्पना न जाने पर भी होगी और इस संस की कल्पना होगी तो राग द्वेष होंगे और राग द्वेष होंगे तो दो होगा। मैंने मोह तोड़ना है कर्तव्य के प्रति और जानना होगा अपने को। कर्तव्य के प्रति मोह का कारण अपने को न जानना है। अपने को जाने तो कर्तव्य के प्रति मोह उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों एक दूसरे का कुछ भी किया एक दब्बे के द्वारा दूसरे दब्बे का कुछ भी किया जाना आ सके नहीं कर। जो अपने को जान लेते हैं आत्मज्ञानी हो जाते हैं आत्मज्ञानी हो जाते हैं उन्हें भी पर पदार्थ मोह उत्पन्न कर देते।
शुरू से पदार्थ भी ये एक दृष्टांत दिया था तुमने। एक मुनराज के पास उसके पूर्व समय के पिताजी बैठे हों, पिताजी को लगेगा ये हमारा पुत्र है, लेकिन मुनराज को नहीं लगेगा ये हमारे पिता है। क्यों? वे अपने को ज्ञायक दिख रहे हैं तो उन्हें ज्ञेय दिखाई दे, वे अपने को उपाधेय दिखेंगे तो सर्वम ही हम। अपने को उपाधेय दिखेंगे तो वे सर्व ही दिखाई दे, और उसे कोई विरोध नहीं रहेगा। ये कहा गया की अपेक्षा और उपाध्याय की अपेक्षा से सामने क्या कहें। एक साहूकार है, सामने सोने की अंगूठी पड़ी है, उसे कैसी लगेगी? उठा चोर को लगेगी अंगूठी उठा लें, लेकिन साहूकार को तो नहीं लगेगी उठा लें। हमें क्या करना? क्या किसी का सोना पड़ा हो हमें लेना क्या? मेरा है ही नहीं, मेरा दिखाई देवे मेरे कम की चीज दिखाई देवे तो उसे उठाने का भाव आएगा। उठा के इसको मंदिर में डाल दें, अरे हमें क्या मजा, हम कौन होते? वहीं पड़ा रहना क्यों नहीं देंगे, मंदिर में क्यों डाल देंगे? ऐसे भी बंद कथा पुण्यात्मा वाले जीव हैं कि हम उसे उठा के मंदिर में डाल दें। मंदिर में क्या हो? चोरी का द्रव्य दान में देने लायक नहीं है। पहले तो मैं चोरी करी फिर मंदिर में लगाया। दानी मत बनो ज्ञानी बनो पहले। उस साहूकार को ईमानदार व्यक्ति को उठाने का भाव नहीं होगा, भले गरीबी हो। उसे उठाने का भाव होगा जिसे ये दिखाई देगा इसका सदुपयोग हो। इसका क्या होगा? हमें क्या मालूम, हमारा क्या होगा? हम लौकिक में भी किसी घटना से किसी से उतनी प्रभावित होते हैं जितना हमारा संबंध होता है। सैकड़ों बन गए कोई प्रभाव नहीं, युद्ध में बाढ़ में भूकंप में सैकड़ों मर जाते, आप कुछ सूतक रख रहे? आपकी चाय नहीं छूटी, हसी नहीं छूटी। क्यों? उन घटनाओं से मरने वालों से अपने को कोई संबंध नहीं है। और हमारे गांव का कोई व्यक्ति हो तो थोड़ा बहुत, पड़ोस का हो तो, परिवार का हो तो, अपनी हो तो फिर क्या पूछा? मर गए, फंस गए, स्टेशन आने के बाद बस खराब अगर हो जाए आपका स्टेशन आ जाए, हमें क्या जाए? मतलब बाहर में जाए, ये बाबा थी। खराब हो गई तो बहुत लोगों का जीवन खराब होगा, समय खराब होगा, ये नहीं होगा जी, हमारा नहीं होना चाहिए।
अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए दूसरे का बड़े से बड़ा नुकसान कर देना ये मानवता नहीं है। जीवन में शांति आत्मा का स्वभाव है, आत्मा को समझे बिना नहीं जी रह सकते। आत्मा को समझ ले हुए तो शांत हो ही जाओ, मन शांत हो जाओ, मिटे सकल द्वंद। आत्मा को नहीं जान तो शांति आई कहां से? बाजार में व्यक्ति नहीं, शास्त्र में से आती है। बहुत प्रणाम में तुमने पड़ा हुआ, वह पक्षी शांत हो गया, वह पशु शांत हो गया, शेर शांत हो गया, हाथी शांत हो गया, कैसी अनुकूलता मिल गई। हमारी बहुत बड़ी भूल ये है कि हम राजाओं को अपने अनुसार प्रण मात्र के सुखी होना चाहते। पर तो एक बात कही थी, हम नहीं करेंगे, ये भी कर्तव्य। तुम नहीं कर रहे होगे तो कहां से करोगे? तुम नहीं करेंगे ये भी अहंकार है, लेकिन ये बात अहंकार की समझ में नहीं आती। हम नहीं करेंगे तुम होते को तुम हो करने वाले और न करने वाले। बिना मुहूर्त के जन्मता है, बिना मुहूर्त के मरता है। जन्म मरण को दूसरी भाषा में कहें तो संयोग और वियोग। बिना मुहूर्त के होता है कि मुहूर्त के? एक बच्ची का जन्म होना 14 के दिन होना 14 के दिन होगा, उन्हें 14 हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती है काम होता। 14 के दिन जन्म हो गए, एक दिन और हो जाए क्या? हो कैसे जाए? हम कल्पना कर रहे हैं, मुर्दे को जिंदा मान रहे, मुर्दे को जिंदा। कोई उपाय नहीं, मुर्दे को मुर्दा मान करके उसके प्रति ममत भाव छोड़ देना, उसका संस्कार करो, अपने काम में लगो। यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। सुष्ट ज्ञान किसको कहते हैं? जिस ज्ञान के होने पर भी आनंद नहीं हो। इंद्रिय ज्ञान सुष्ट ज्ञान हो सकता है, पढ़ने के बाद भी विकल्प बने, किताब सामने गई विकल्प और चले, यहां बैठी सुने विकल्प और कुछ चले। संयोग में भी वियोग का भय सताता है, संयोग में भी वियोग का भय, कहीं वियोग न हो जाए। अरे हो तो नहीं गया, अरे संयोग में वियोग है ही, ये स्वभाव है, न हो जाए ये कहां से राजी होगा? भरोसी मत रहो। संयोग जिस समय है उस समय ही उसका वियोग है, और संयोग का वियोग होगा ईश्वर रूप से। हम सोचे वियोग न हो जाए, वियोग न हो जाए, वियोग न हो जाए, अरे वियोग न हो जाए ये सोचे क्यों? वियोग होगा,
ये मान के चलो, जिसका उत्पाद होता है उसका व्यय होता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, जो जन्मता है वह मरता है। रविशंकर साहब का चार में लिखा है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। एक जगह गांव में गए, बोले पंडित जी आप यहीं बने हो, हमने कहा हम बने रहेंगे, तुम जाओ। अब पंडित जो रोज गए हैं लश्कर तक जा रहे, हम चौना की जा रहे, तुम होते कौन हो, हम बने रहेंगे तो तुम जाओगे। ये संभव नहीं है। अतिथि जिसका अतिथि न हो वो एक नियतवासी हो जाए, संभव नहीं। अनियतवासी साधु अनियतवासी ही होंगे और तो ही साधु रहेंगे। नियतवासी हो गए तो राग द्वेष खड़े होने लगेंगे। ये अच्छा है ये खराब है, ये ईमानदार आदमी ये गई हो हमें क्या लेना। हर प्रसंग में अपनी भूगी हो, रात्रि भोजन में स्वास्थ्य खराब होगा, बीमारियां होंगी, बाद की बात है। पहले ये सोचो इस आसक्ति के परिणाम से तुम्हारा क्या हुआ। दिन में भी भोजन करोगे, रात में भी भोजन करोगे तो स्वाध्याय कब करोगे, कब निर्वाहोगे, भक्ति कब करोगे। भक्ति का समय भोजन का समय आपके भोजन में चला गया, स्वाध्याय का समय भोजन में चला गया, क्या करोगे। जैन शतक में एक कथन लिखा, काहे को बोलत बोल बोले नर। तुम अगर किसी से बुरा बोलवाना नहीं चाहते तो सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य बुरा बोलना छोड़ो। एक नियम बता रही हूं बोलिए, किसी प्रसंग में उत्तेजित होने की कोशिश मत करो, जोर से बोलने की कोशिश मत करो। नियम बनाओ, इसमें फुर्सत चलेगा तुम्हारा। सामने वाला स्वतंत्र है, अरे वो तो उत्सर करेगा। कमठ का जीप पहले आया, इसने हमारा विमान रोक दी। विमान रुका था कि रुका था, विमान रुका ये सही है, लेकिन विमान प्रार्थना ने रुका ये गलत। प्रार्थना स्वामी तो अपने स्वरूप में लीन थे और विमान इसलिए न रुका के कमर को द्वेष आ गए। वह अचेतन है, उसके न ज्ञान है न उसके कान है, न सुनता है न जाया। रुका था विमान कि नहीं तो कमट आया होगा, पहले उत्तर करने लगा होगा, पहले उसने तम बातें कही होंगी बचन से, पहले सोची होंगी, फिर कही होंगी और फिर करी होंगी चेष्टाएं। लेकिन जितने जितने उत्तर सही उतनी उतनी क्षमता आई।
तुम उपसर्ग करने के लिए स्वतंत्र हो तो हम भी क्षमता रखने के लिए स्वतंत्र हैं। विचार करना पुरुषार्थ का काम है कि बताओ उदय से ज्यादा उपसर कर सकता है? उदय से ज्यादा हमारे से कोई उपसर कर पाए? जितना दबाव होता है दबेंगे, जितने दबेंगे उतने और दबाएंगे। झूठी बात, पत्थर को दबा लकड़ी को दबा, अरे जितनी दबने लायक है उतनी दबेगी, ये नहीं दबने लायक है तो नहीं दबेगी। जितना उदय होगा उतनी उपसर्ग कर पाएगा, यह उदय नहीं होगा तो उपसर्ग कर नहीं पाए। निशंकित अंग है, उदय से ज्यादा उपसर्ग नहीं हुआ और मेरे ऊपर कभी उपसर्ग नहीं हुआ। पहले व्यवहार समझ लो, उदय से ज्यादा उपसर्ग हो सकता है? कोई भी हो, कहीं भी हो। अरे छोड़ो, डाकू को उदय आ जाती है, ये तो बोलता ही नहीं, छोड़ो इसको। क्यों अपना उदय? कोई भी हो वे, द्वेष करने की जरूरत नहीं है, अपने उदय से ज्यादा क्षमता नहीं कर पाएगा, वो कितना उपसर्ग नहीं कर पाएगा। हजार गाली दे लेकिन 10,000 नहीं दे सकते, जितना उदय है उतनी देर पाएंगे, ज्यादा नहीं देंगे और उतनी तुम्हें सहन करनी ही पड़ेगी। हंस के सहन करो चाहे रो के सहन करो, संकलित प्रणाम से सहन करो चाहे क्षमता से, जितना अपना उदय है उतनी सहन करनी पड़ेगी। सही क्यों नहीं गिरा उस समय भी ये विचार करना कि क्रोध को क्षमा से जीतने की बात कही है, ठंडे लोहे को गर्म लोहे से नहीं काटा जाता, गर्म लोहे को ठंडे लोहे से काटा जाता। एक किसान की स्त्री खेत पर रोटी देने जाती है और किसान की आदत पड़ गई कि उससे लड़ जा। अब रोटी देने आई, दूर से देख लिया उसने किसान ने, उसने कहा अब लड़ने का बहाना ढूंढना चाहिए। उसने उल्टा हल लिया और जोतने लगी, क्या कुछ कही और हम कह देंगे तुम्हें क्या मतलब, मौका मिल जाएगा हमें चाल बुरी का। उल्टा हल जोतने लगा, उसने भी दूर से दिखा इसने कि आज हमारी नौबत लड़ाई है। उसने रोटी रखी और पीछ फेरी, क्या उठो जो तो झांसी जो तो हमें काम रोटी देवे को है सो हम दे चुके हमें कहा ने। लेकिन ये बात में ईमानदारी होना चाहिए, भीतर में अगर लगी रहे नहीं हम नहीं खाएंगे, और भीतर में लगी रहे ये पूछे एक दफे और कह दे तब खाएं तो गड़बड़ हो जाए। जरूरी नहीं है वो कह देगा, ये दुपट्टा भी बंदर फाड़ देगा, गिर पड़े दूर में, अगर पुण्य का हो जाए तो नया ले आओ, और पुण्य का हो जाए नहीं होगा तो अब धो लियो।
कम पुण्य का हुए हो तो धोना है, धोके दे देगा, और पाप का उदय हुआ तो धोएगा भी नहीं। अरंत भगवान के परम अवदाय शरीर समोषण आदि विभूति का अभाव होता है। कौन सा पाप का उदय? जिस पुण्य के उदय से सामग्री मिली वो पुण्य का छीन हो गया। सुर है आपका आर्मा, पुण्य का छीन क्षय हुआ और वो पुण्य की सामग्री का भी बस नहीं मिला शरीर उसके बाद। क्षमता से जो देह तयोगे तो उत्तम गति पाओ, ये व्यवहारिक क्षमता की बात है। जरूरी शरीर मिले से बढ़िया शरीर ही मिले, इसे खराब शरीर मिले किसी प्रसंग में पर का दोष मत देगा। किसी प्रसंग में वो अपने कर्तव्य से नहीं होना, एक पर्याय को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते अपनी को भी। दूसरे की पर्याय तो बदल ही नहीं सकते, आगे पीछे हमने ऐसा क्यों किया? अपने को धर्मात्म मानने वाले क्यों किया ये सोचते प्रश्न करते, जबकि क्यों किया तुमने किया ही नहीं। तर्को स्वभाव है कि स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। अरे तुम स्वयं से छूटोगे तो स्वच्छंद होगे, स्वयं का आचरण करोगे तो स्वच्छंद कैसे हो जाओगे? हम कल प्रवचन नहीं करेंगे, सुनो ये आज कर्ता मान करके कह रहे हो, कर्ता मान कर आज कर्ता मान करके कह रहे हो क्या कर्ता मान करे? कल प्रवचन नहीं करें, कल पता नहीं कौन आएगा। चलो बैठे छोड़ो, इसकी दूर से आएगा होते कौन है? लेकिन बड़ी इसमें ये लगेगा हम करता नहीं है, करता नहीं है अपने अनुकूल बनवाने के लिए नहीं। अज्ञानी क्रोध कर रहा है अनुकूल बनवाने के लिए, मन करता है अनुकूल बनवाने के लिए। चुपचाप बैठ जाएंगे नीचे, ऊपर नहीं। महाचारी करता है ठगने के लिए, ठग करके क्या चाहता है? अपने प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है, लेकिन अपने प्रयोजन की सिद्धि महाचारी होगी, लोभ से लाभ होगा। सोचा हमने क्रोध को छुआ से जीतो, इसका मतलब क्या है? जिन प्रसंगों में सामने वाला क्रोध करता है, खेद करता है अंदर में, तुम उसे भेद करो। निश्चित बात है प्रतीक्षा मत करना, लेकिन फिर भी निश्चित है तुम्हारा उदय बदलेगा। उदय बदलेगा तो सारी कार्य बदल जाएंगे, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। लेकिन बदलने की प्रतीक्षा मत करना, सृष्टि को दृष्टि बदलना। दृष्टि बदलने पर भी सृष्टि बदले या न बदले, लेकिन अपने अशांति तो दूर हो जाए। उस दिन का पंच नमस्कार मंत्र अपन स्मरण करें, ध्यान करें, तो विषयों की सामग्री मिले या नहीं मिले, पुण्य का उदय हो तो मिले, नहीं पुण्य का उदय हो तो नहीं मिले, लेकिन विषयों की वासना तो मिटेगी। शत्रु का नाश हो गए चाहे नहीं हो गए, लेकिन शत्रुता का नाश तो हो जाए, निश्चित ही होगा। रोग का नाश हो गए चाहे नहीं हो गए, लेकिन दुख का नाश तो होगा ही, राग का नाश तो होगा ही।
नियम कारण है ये, भले निमित्त में थे लेकिन नियम कारण है। सूर्य का उदय हो जाए और कमल भूल जाए खिला, ऐसा हो सकता है? सूर्य का उदय होगा तो कमल खिलेगा, कमल खिलने का टाइम होगा तो सूर्य का उदय होगा, एक ही टाइम है दोनों का, लेकिन दोनों के कार्य के कर्ता दो हैं, एक नहीं है। हम चाहें ये दीवार पुरानी नहीं है, जिस दिन बनी है उसी दिन से पुराना शुरू हो गया। पुराने नए के चक्कर में बहुत लोग रहते, ये कमीज पुरानी हो गई नहीं गया, अरे नई कह दें उसके बाद फिर पुरानी वो भी पुरानी हो जाएगी। ये चौकी बहुत पुरानी हो गई नहीं गया, ठीक है, अरे तुम भी तो पुराने हो गए, लिया हमने क्या करोगे? ये विकल्प क्यों आता है? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं होने से, पुरानी हो नई हो हमें क्या मतलब, सम्यक होना चाहिए। चौकी पुरानी हो गई ये सोच रहे हो, चौकी भिन्न है ये सोचो, नई पुरानी के चक्कर मत रहो, नहीं तो राग द्वेष होंगे। चौकी भिन्न है, चौकी से मेरी शोभा नहीं है, कोई पुरानी चौकी रख गए तो हम छोटे हो गए, नई चौकी रख दी तो हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। एक बढ़िया सिंहासन बनवा दिया तो हम आसन ऊंचा हो गया, हम बड़े हो गए, और एक सामान्य सा तखट डाल दिया गांव में गए थे जिसके पैर भी लाए थे, बैठ गए साल से, क्यों इंसल्ट हो गई? अरे इंसल्ट होती है जीव की विषमता के कारण, कसायों के कारण। टोटम जी ने लिखा है, तराजू के पलों के समान जीवत की जैसी ही सब जीव समान है। कसायों की विशेषता से अधिकता से और ज्ञान की हीनता से जीव निंदा को प्राप्त होता है, और ज्ञान की विशेषता से कसायों की हीनता से जीव पूजा को प्राप्त होता है। क्या करोगे? तुम्हारी कसाय तुम्हारा साथ करेंगे, तुम्हारी कसाएं तुम्हारा हीनता करेंगे, उसी तखत पर अगर अपन सावधानी से बैठ जाए तो कोई उपद्रव नहीं, और उसको अंश मान करके कैसा तखत डाल दिया, तुम क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, तो तुम ही देख रहे हो, अब क्या करें? सर्वस्वीना नहीं, जो जिनमें जगत के जीव अनिश की कल्पना करते हैं उन प्रसंगों को भी पीना सीखो। अब सर्व सर्व तुम पियो तो क्या करेंगे? अरे यश हमें मिला तुम्हारे कारण से, आज टेस्ट मिलने का मौका मिला तो किस मिलेगा? इस जीव के भीतर में ऐसी बेईमानी है, भोगों को स्वयं चाहेगा, लोगों से बचेगा, लेकिन भोगों से नहीं त्यागने वाला, रोगों से नहीं बचवाएगा। क्रोध को क्षमा से जीतो, जीतो माने भिन्न जानो, जिन प्रसंगों में पर का दोष दिखाई देता उन प्रसंगों में भी अपना ही दोष देखो, और दोष को अपना स्वरूप मत देखो। एक समय की बजाय में
भूतवाचक संज्ञा बोलते हैं, अमुक का स्वर्गवास हो गया, अमुक काम हो गया, हो और गया, हुआ और गया। गया को हम सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों गया, काय को गया, यह जो उसकी हाथ की बात है। ये क्यों उठ गया, काय को उठ गया बीच में से, अरे उसे लगी होगी लघुशंका, वो उठ गया होगा। उसने कहा सबका डिस्टर्ब क्यों करें, अब तो मैं विकल्प करना है तो करो। ये क्यों उठ गया, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों नहीं आया, अरे वो अपने काम में लगा होगा किसी का। पर के संबंध में विकल्प करना ही अपने सुख का अंत आया। अतर्को स्वभाव, स्वभाव में तर्क नहीं होता। लेकिन हम क्या करें, हम तो ज्यादा पढ़ गए। स्वभाव मन तर्काली हुआ, अरे उत्पाद वह भी पर्याय का स्वभाव है। उत्पाद वे भी पर्याय का स्वभाव और जरूरी ना भी तुम्हारा स्वभाव, एक त्रैकालिक स्वभाव एक पर्याय का स्वभाव। अब तुम मानोगे नहीं पर्याय की स्वभाव को, तुम ये सोचोगे स्वभाव माने त्रैकालिक स्वभाव होता है, तो जो जो है सो उसको त्रैकालिक कैसे मानोगे। एक बादशाह ने मंत्री से पूछा, मंत्री अगर बादशाह बदलते नहीं तो क्या अच्छा होता, बदलते नहीं, पांच साल बाद फिर बदल रहे, फिर बदल रहे, फिर बदल रहे, वही बादशाह रहता कितना बढ़िया होता। उस मंत्री ने कहा, मोह लगा मंत्री, क्या हजूर आपका बादशाह कैसे बनते, अगर तुम्हारे पिताजी बादशाह बनी रहते तो तुम बादशाह कैसे बने। लेकिन अपन बादशाह बन करके ये चाहेगा कि अब नहीं बने, बीच में बदलना बंद कर दे, ये तो तेरी इच्छा है। वो इच्छा उसे कहते हैं जो सुखी को दुखी करे, मतलब सुखी होते हुए सुख स्वरूप होते हुए भी दुख का विजन कराती है इच्छा। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, शिकायती करती जिंदगी चली आई, तुम्हारे पास दो आंखें हैं कि नहीं, दो कान हैं कि नहीं, खूब जिनवाणी सुनो, खूब भगवान को देखो, है कि नहीं, तुम्हारे मुंह में जिभ्या है कि नहीं, भगवान का उड़ान बात करो, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करो, दो हाथ हैं कि नहीं, खूब दान दे, खूब भैया वृत्ति करो, खूब विनय करो। लेकिन हमारे पास कुछ है ही कुछ माने पैसा, ऐसा पागल हो गया, समझ में नहीं, हमारे पास कुछ है, हमने कुछ नहीं होता उसको भगवान कहते हैं, पता है कुछ भगवान के पास क्या है, यहां खड़े हो जाओ, भगवान के पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं निकले तो हमें बताना, मैं वह हूं जो है भगवान। क्या भगवान को राग नहीं है, तुम्हारा भी राग स्वभाव नहीं, स्वभाव की सही जाकर के देखो, उस स्वभाव में देखोगे तो तुम्हें भी राग दिखाई नहीं देगा। अरे प्रयासी भी देखोगे तो राग तुम्हें कलंक दिखाई देगा। क्यों 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 करो, अरे योग्यता एक प्रतिज्ञापक कर रहा, जिस पर्याय की जिस समय आने की योग्यता थी वो आ गई और चली गई,
अब बात पीछे से पकड़े में बैठी हो, आज ध्यान कर रही हो। एक होता है प्रतिक्रमण, होता है किसे कहते हैं प्रतिक्रमण, भूतकाल को लक्ष्य करके वर्तमान में दुखी होना। हाँ अति क्यों, भूतकाल को, भूतकाल से चला गया उसको लक्ष्य करके अतिक्रमण कर, अगर ऐसा नहीं करते तो, अरे करते नहीं करते ये क्यों विकल्प लगाते हो, तुमने किया कहाँ किया है? तुमने आजकल से भेद विज्ञान नहीं किया, कर लो भेद विज्ञान। अगर हमने ऐसे पाप नहीं बांधते तो पंचम काल में पैदा नहीं होता। अरे अगर हमने अभी वर्तमान में भेद ज्ञान किया होता, पंचम काल में अपने को नहीं दिखा होता, पंचम काल से निरपेक्ष दिखा होता तो आनंद में होते, क्या कर लेता पंचम काल। रात्रि अमावस की रात्रि, घनी रात्रि की रात्रि, बरसात की रात्रि, बिल्कुल अंधेरा, सुधार शक्ति ही नहीं जब, और दिन के 12 बजे जगने न जगने वाले को जगा नहीं सकता। नहीं जगना हमें, अब तुम जिद कर लो हमें नहीं समझना है तो कोई नहीं समझा पाएगा, भगवान नहीं समझा पाएंगे, और समझना है तो जो निमित्त है सामने उसी समझाओ। निमित्त तो निमित्त है, अकिंचित कर है, छोटा बड़ा तो नहीं है, ये निमित्त ठीक नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा थोड़ी है। मुंडाजों की देशना निमित्त हो गई, आज ईश्वर की देशना निमित्त नहीं हुई, अब क्या करे, वे उनसे बड़े हो। अरे बड़े छोटे तुम कर रहे हो, छोटे बड़े की भावना ये मन का आधार है, बड़े नहीं हो गए और छोटे नहीं हो गए, नहीं हमने तुमने हमारी मान ली तो हम बड़े हो गए और नहीं मानी तो हम छोटे हो, ऐसा है। मान रहे हो तो भी जो है सो ही है, नहीं मानो तो भी जो है सो है, ज्ञाय सदा काल ज्ञाय ही रहता है, ज्ञाय किसी भी पर्द्रव्य का संयोग होने पर रूप नहीं हो जाता, ज्ञाय अपने ज्ञाय पने को छोड़ता नहीं है। बात यह है जिसको हमने ज्ञान मान लिया उसको वही अज्ञान है, और हम कहते हैं बड़ा हमारा क्या ज्ञान, हम तो इतने पढ़े लिखे, नाविक बाबूजी से कहता है, बाबूजी कहते नाव से कहीं नाविक कछु पढ़े लिखे हो, अरे बाबूजी पिताजी संग नाव चलाता है, अब पिताजी चले गए तो हम खुद चलाने लगे, पढ़े लिखे नहीं, हमने स्कूल घुमाऊ नहीं दी, अरे तुम्हारी आज जिंदगी बेकार, आज के जमाने में पढ़े लिखे नहीं हो, थोड़ी देर में समुद्र में तूफान आने लगा, नाव डूबने को हुई, मल्ला ने कहा बाबूजी तैरना जानते हो, हम तो देखो तैर के पार भाई यार, तुम क्या करोगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी पानी में जा रही है, बोलो। तब बाबूजी की समझ में आई कि हाँ बात तो सही है, इसने तैरने की कला नहीं जानी उसने क्या जाना,
घुसने की कला जानता था अभिमन्यु, बाद में क्यों मरण को प्राप्त हुआ निकलने की कला नहीं जानता। हम भी संसार में फंसने की कला जानती है, निकलने की कला नहीं जानते। ऐसे लगे वो, ऐसे खोले वो। भगवती आराधना बड़े ग्रंथ है, उनमें लिखा यह जेठार्थी पूछा, जहां तुम्हारी पीठ है वहां मोह करो, जहां तुम्हारा मोह है वहां पीठ करो। मोक्ष का चिट्ठा इतना ही है, हिसाब किताब बताएंगे। जिसको तुम अपना मानते हो उसे अपना मानना छोड़ो, और जिसे तुमने कुछ नहीं समझा उसे समझाओ। अनंत गुणों का समूह आत्मा में क्या है, आत्मा में क्या नहीं है। एक व्यक्ति गांव में गया, एक झोपड़ी में घुसा, शीतल पानी का घड़ा रखा, उसे चूल्हा जला रोटी बन रही गंगा। घर धनी ने कहा भैया रोटी खा ले, पानी पी ले, कछु तो खा ले, यहाँ क्या है? अरे पागल, यहाँ शराब का अड्डा नहीं, तू कहाँ चला आया? इस रसोई में खीर तो बनी हुई है, अरे जो बन रहा है सो तो खा, खीर नहीं है। अनेकों अभाव में भाव स्वरूप आत्मा के रहते हुए भी अपने को अभाव रूप देखता, अभावों का रोन रोने की आदत पड़ जाती बहुत। महिलाओं की भी सुख थी, हम तो जब घर में आए कछुए को ही हम ये भगवान अछुए नहीं देव, तुम अपने को देखो काम बन जाए। लेकिन अरे तुमने जैन के घर में भी आकर के अपने को नहीं देखा तो क्या किया? जिन मंदिर में आकर के अंदर आने की कला नहीं सीखी तो क्या किया? निर्माणी में बैठ कर के भी अपने को नहीं समझा तो क्या समझा? हमने जे घर में कबू नहीं कछु नहीं देखो, उदय से ज्यादा है कि कम? अरे जिसको तुम देखना चाहते हो वो देखने लायक ही नहीं है। यहाँ फ्रिज रखो है, यहाँ कूलर रखो है, यहाँ टीवी रखी हो है, ये देखने आएगा? उपकरण नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं है, मनोविकृति के कारण है। वो कूलर और फ्रिज तुम्हारे स्वास्थ्य को चौपट करेगा, तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता को बिगाड़ेगा। वो टीवी तुम्हारी परिणामों को बिगाड़ेगा। सोचा? अरे जिस घर में जिनवाणी नहीं है वह घर सुना है ये कभी जिएगा? बाद बाकी तो हमारे उदय प्रमाण है, हम कहीं आए इससे क्या बनगा, क्या फर्क पड़ेगा? हम वहां चले आए महाराज के कुठरी हम ठहर जा, अब क्या करोगे? वहां भी कोठी मिलेगी और यहां भी कोठी मिलेगी, अब क्या करोगे? जिस अनिष्ट की कल्पना से तुम भाग रहे थे वह अनिष्ट की कल्पना को भगाओ वेद विज्ञान से। कोठी में अनिष्ट की कल्पना छोड़ो, घर में शांति से रहना सीखो। टीवी नहीं है तो क्या करोगे? अग्रिम लायक ही नहीं है? जब लायक नहीं थी तब क्या होता था? जीवन चलता था, शांति से चलता। देखो लाइट के बिना तो जीवन जब तक अनंत काल सुख में बीत सकता है, लेकिन ज्ञान की लाइट के बिना एक क्षण भी नहीं निराकुल सुख का स्वाद आ सकता।
भी नहीं होगा, 24 घंटे लाइट, लेकिन अंदर की लाइट नहीं। पर भेद ज्ञान की आंख न थी, पर क्या कर सकती थी यह ज्वाला। अंधे के सामने कितने बात का बल्ब लगाए, करोड़ सूर्य उसके जीवन में उजाला भरने में समर्थ नहीं है। आत्मज्ञान के बिना आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है, तो आगम ज्ञान के बिना ये बाहर का ज्ञान तुम्हारा क्या करेगा। और ज्ञान की बात नहीं है सब जगह लगाना, आत्म संपदा के बिना ये संपदा तुम्हारी क्या करे। अरे बोलते क्यों नहीं हो, परसों की बात, अभिमान कराएगी, विकल्प कराएगी, हम ऐसी पहने ये ऐसी पहने, इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास अंगूठी है, हमारे पास जिंदगी है, अभिमान कराएगी। दुखिया से मिलने में इसको आती हाय मा दुर्गंध, अरे एक कॉन्वेंट का बच्चा था, कॉन्वेंट में पढ़ता हुआ, उसके पापा ने कहा गांव में अपने पिताजी हैं, तबीयत खराब है, दिख तो आए कि हम भी चल पहुंचा। बोल बच्चा, बच्चे कौन हुए, बाबा ग्रैंड फादर पहुंचा तो नाखून जी चबक रही थी, बाल बड़ी थी। अब वो बच्चा था कॉन्वेंट का, वो कहता रेडी ग्रैंड फादर। डी ग्रैंड फादर इतनी गंदी नाक चबक रही है, बाल बड़े हैं, शेविंग नहीं करती है। हाँ शेविंग अंग्रेजी पड़ गए तुम, ऐसी सभ्यता क्या करोगे। विदेश की बात है, एक आदमी बुढ़िया, वो क्या नाम, वो ज्योति था, गिरने तो कैसा लगा धमक गड्ढे में गिर गया, बुढ़िया निकली उसने निकाला, अरे माता जी तुमने बहुत उपकार किया हमारा, तुम्हें नक्षत्रों का ज्ञान कराए, कुछ बताए। ज्ञान बखाने लगा, बुढ़िया ने कहा सुनो नक्षत्रों का ज्ञान तुम बाद में कराना, पहले जी जमीन पर चल रहे हो वहां प्रेम से रहना चाहिए आप। ऊपर को देख के चल रहे नक्षत्रों का ज्ञान बांट रहे हो, जहां हो वहां तो भेद ज्ञान करना सीख गया। तत्व सूत पढ़ रहे ठीक है, पढ़ रहे पढ़ो कोई बात, ज्ञान बन की कौन सी बंद के कारण, रचना बन के बंद के कारण कौन से है पता ही। ये नहीं लगता हमारा आलस्य से अभ्यास करना सुनना पढ़ना ज्ञान बन के बंद का कारण। गुरु का नाम छिपाना, सास का नाम छिपाना, बड़े सास का नाम ले दिया, बड़े गुरु का नाम ले दिया, ज्ञान बन का बंद हो गया, ज्ञान का अंशीकरण ने किया ज्ञान वर्ण का बंद हो गया। जो पढ़ा सुना उसको बंद करके रख दी, हमने 3 कॉपी वाली, अरे 3 कॉपी वाली तुमने उसकी कॉपी कहां करी। माने हम पढ़ रहे हैं महाबंध को और निर्बंध आता नहीं, बंद के कारण आते हैं। अभी हमने इस रूप से कहा है
सूक्ष्म से देखा जाए तो निर्बंध स्वभाव को न जानना ही बंध का कारण है। निर्बंध स्वभाव को न जानना ही बंध का कारण है। अभी शुरुआत में ये बात कही, अपने को न जानना ही मोह का कारण है। मोह तो भी नहीं छूटेगा जो बिल्कुल फसकूट हो जाए। अपना बच्चा अपने बड़ा होकर के फसकूट जलने लगा और तो भी मोह नहीं छूटा, क्यों? अपने को जाने में, अपने को जाने तो अपना बच्चा अपने अनुकूल चले तो भी मोह नहीं होता। ज्ञानी को अनुकूलता में भी कर्तत्व तो नहीं आता, ज्ञानी अज्ञानी को प्रतिकूलता में कर्तत्व तो आता है। तो तुम कर ले हमारे बिना, हाँ हमारे बिना। ज्ञानी को कर्तत्व तो नहीं आता अनुकूलता में, कार्य विकल्प के अनुसार हो जाए तो भी कर्तत्व तो नहीं आएगा। उस दिन कहा था टोटो मजी का, कितने ग्रंथ लिखे, कितनी टीकाएं लिखी, लेकिन तो भी कर्तव्य तो नहीं आया। लिखना लिख बचना लिख क्रिया राग आदि और इंद्रिया ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो में। हमारा नाम बहुत खराब है, हमारा नाम अच्छा है, ये कोई नाम होता है? अरे हमारा नाम ही नहीं है। टोडरा मल कहें सबको, कहती हैं मैं आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, टोडरा मल नहीं हूं। जिस समय सब लोग मिलकर के टोडरा मल कहें उस समय भी अपने को आत्मा देखना, ये टोडरा मल जी की व्यक्तित्व है। अजैनों की बरात में जाओ तो अजैन थोड़ी हो जाओ तुम, वहां जाके शराब पीने लगे हो, रात में खाने लगे हो, वहां जाकर के भी हम तो चीज नहीं खाएंगे, जहां तो हमारे लायक है ही कुछ, हम तो नहीं खाते। अच्छा तो तुम्हें सूखो सामान दे दूंगा, बना खा, हाथ भी नहीं लगाएगा कोई, वे लोग बनाए ज्ञानी लोग उन्हें बना दे। का चाहिए का चाहिए, आया और दूर से ही पूछने लगा। हम आपको लौकिक दशा देते दूर का, इस समय आप पूजा के धोले कपड़े पहनने जाते हो उस समय आपका बच्चा आपसे अड़ता नहीं, बच्चे को भी बहुत प्रेम है तुम्हें भी बहुत प्रेम है, लेकिन आप धोती दुपट्टा पहन करके खड़े हुए हे पापा पूजा जा रहे वो नहीं, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, छुएगा नहीं। अब तुम उसे राग से उसी कपड़ों में उठा ली तो हम क्या करें? तुम उस बच्चे को राग के बसी हूं तो करके उन्हीं कपड़ों में उठाओ तो हम क्या करें? ये तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी भूल है कि बच्चे वो बहुत रो रहा था इसलिए हमने उठा लिया। हाँ काटिए टॉफी, अच्छा अब अगली बात है, जाते उसको टॉफी दे दी। बच्चा जिंदगी भर के लिए बिगड़ गया, उसने सोच लिया रोना मचलना चीखना चिल्लाना ये जिद को पूरा करने का उपाय है। अगर हम रोएंगे मचलेंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे तो ये हमारी सुन लेंगे। इनडायरेक्ट रूप से जो आपने देख भी नहीं पाया उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया।
उसने समझ लिया, दूसरा भूल जाता। अगर आप चाहते हैं बच्चा झूठी न भूले तो आप उसके सामने झूठी मत बोलो। अगर आप चाहते हो बच्चों को बच्चा विनय करे तो आप अपने आपसे बड़ा कोई है कि नहीं, उसकी विनय करोगे तो बच्चा सीख जाएगा अरे विनय कर दिया। गांव में एक स्कूल था, राजा का वहां फरमान आया हम स्कूल देखने आना चाहते। मास्टर ने कहा पत्र लिखा आप ना तो अच्छा, क्यों ई लोग तो गौरव मानते और तुम कह रहे ना, इसलिए कभी हमारे बच्चे जानते हैं आपसे बड़ा कोई नहीं और आपके आने पर हम स्वागत करें तो बच्चे जान जाएंगे मास्टर से बड़ा तो अधिकारी होगा। लौटी डंक में पत्र आया हम आपके स्कूल में जरूर आएंगे लेकिन आप खड़े नहीं होंगे, आपका स्वागत हम करेंगे। बच्चे समझे अधिकारी से बड़ा हमारा गुरु है, अधिकारी बड़ा नहीं है। अरे अधिकारी क्या अधिकार देगा, तुम्हारी पुण्य से ज्यादा देगा, कोई कितना ही खुश हो जाए तुम्हारी पुण्य से ज्यादा नहीं देगा, कोई कितना ही नाराज हो जाए तुम्हारे पुण्य का नहीं छीनेगा। इसके कपड़े उतरवा, अरे आप रहने दियो, कहे एक ही व्यक्ति है दूसरा। उसको कैसी काश तुमने कपड़ों से अपनी शोभा नहीं मानी होती तो आज ये नौबत नहीं आती कपड़े उतरने की, पहले ही उतार दी थी, पहले ही दिगंबर होती तो ये दशा काय हुआ थी। दिगंबर मुनि को देख करके कोई का ये भाव आ सकता है इसके कपड़े उतार ले ही कहा, आत्मा में राग नहीं है तो आत्मा के राग का भाव कैसे हुआ। आत्मा में राग नहीं, आत्मा के आश्रय से राग रहता भी नहीं। कितना ही राग हो आत्मा के आश्रय से मिटेगा ही मिटेगा, कितना राग तुम कल्पना नहीं कर सकते। स्त्री के साथ उसकी ससुराल को स्वयं जा रहा था, अपनी ससुराल में इसी के साथ ही हम इसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन जब मुन्ना को देखा बज बाबू ने एकदम देखता ही रह गया, इन जैसा जीवन हो तो हमारा जीवन सवार हो जाए। हम शिकायत करते हैं सोचते हैं विपरीत विपरीत मत सोचो, विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। सोचो सम्यक सोचो, शरीर के संबंध में सम्यक सोचना क्या है, विपरीत विचार करना क्या है अभी पता ही नहीं। अरे शरीर ही हमें जिस प्रकार शरीर को अपने को एक मानना ये विपरीत विचार है। शरीर सुंदर है इसलिए मैं सुंदर हूं, अरे शरीर क्रूर हो तो भी मैं सुंदर हूं। एकत्व निश्चय एकत्व में सर्वत्र सुंदर लोक में, शरीर की सुंदरता से मेरी सुंदरता का क्या संबंध। उसको ये लग रहा है शरीर सुंदर है तो मैं सुंदर हूं, सम्यक विचार है शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है।
शरीर की सुंदरता से आत्मा की सुंदरता नहीं है। ये सुंदर परिणाम का फल है, सुंदर शरीर मिलना। भक्ते सुंदर रूपम, समंतवत स्वामी ने कहा, हे भगवान, आपकी जो भक्ति है वो सुंदर रूप को प्रदान करती है। भक्ते सुंदर रूपम, दीन दुखी को करुणा से देखा होगा, प्राणी मात्र को मैत्री से देखा होगा, गुणीजनों को प्रमोद से देखा होगा, ईशा से नहीं। भगवंतों को भक्ति से देखा होगा, गुरुओं को भक्ति से देखा होगा, उसका फल है सुंदर रूप का मिल जाना। और शास्त्र में दृष्टांत है कि कुत्ते का शरीर छूट करके देव का शरीर मिला। कहां कुत्ते का शरीर और कहां देव का शरीर, लेकिन हर शरीर के सामने दोनों शरीर भिन्न है। कुत्ते के शरीर के कारण मेरी कोई हीनता नहीं है और बकरे शरीर की मेरी कोई शोभा नहीं, मैं असली तत्व हूं। ये सम्यक विचार है। हमने पुण्य के फल को धर्म का फल मान लिया, पुण्य को धर्म मान लिया, अनुकूलता को धर्म का फल मान लिया। अनुकूलता मिलना ये धर्म का फल नहीं है, धर्म का फल है शांति होना, अनुकूलता प्रतिकूलता समता होना। अनुकूलता होना ये पुण्य का कार्य, प्रतिकूलता होना ये पाप का कार्य। अनुकूलता प्रतिकूलता ये पाप और पुण्य का कार्य है, धर्म का कार्य नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता में समता का परिणाम रहना, ये धर्म का कार्य। लेकिन हम जिसको पुण्य का उदय देखेंगे, अनुकूलता देखेंगे, उसी को धर्म तो मान लेंगे, बड़ा धर्म तो मान। धर्म कार्य को करते हुए भी अगर अनुकूलता बनती जाएंगी बढ़ती जाएंगी तो हमें लगेगा धर्म का कुछ फल मिल रहा है। अगर प्रतिकूलता आएगी तो जी कहां से आएगी। एक डॉक्टर साहब थे, जाने कहां हुए पता नहीं, बोले हमने के मंदिर जाओ करो। बोले क्या करें मंदिर जाएगा, भगवान हमारी सुनते ही। हमने कहा भगवान को तुम्हारी सुनना है कि तुम्हें भगवान की सुनना, पहले ये बता। नशा उतारो मान के पार से उतर जाओ, तुम्हें भगवान की सुनना है, भगवान की को तुम्हारी नहीं सुनना है। अलग अलग नाड़ी देखने की बात नहीं है, समस्त जीवों के दुख का कारण भी एक ही है और समस्त जीवों के सुखी होने का उपाय भी इतने सी शंकर हो गए, कोई किसी अन्य उपाय से हुए, एक किसी अन्य मार्ग से हुए, एक ही मार्ग से एक ही उपाय से सुखी हुए। ये मति को व्यवस्थित करने की विधि है। बोले भगवान भाई सुन रहे हैं, हमने क्या बात हमें सुनाए क्या करें। बोले ट्रांसफर एक जगह हो जाए मरे गए तो आए। हमने कहा ट्रांसफर एक जगह हो जा, जब परिणाम अलग अलग है तो एक जगह ट्रांसफर कैसे हो जाए। पति के परिणाम अलग प्रकार के, पत्नी के परिणाम अलग प्रकार के, अब वो ट्रांसफर एक जगह हो जाए। यथा मति तथा गति, एक जगह कैसे हो जाए। तो हम मंदिर का हो जाए, मंदिर जाए तो जाए एक जगह ट्रांसफर हो जाए मरे। ये अज्ञानी की कल्पना है कि वस्तु का स्वरूप है, अज्ञानी की कल्पना है।
कल्पना करके हम दुखी होते हैं, यथार्थ को समझ करके सुखी होने का उपाय। आकुलित भयो अज्ञान दा, अब हो निराकुल ज्ञान दा, ज्ञानाभ्यास से निराकुल हो जाओ, और कोई उपाय नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति, और कोई शरण नहीं है, और कोई शरण नहीं है। रामोवर्ण कारण चाला।